गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू किड्स. आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे वी विल टॉक अबाउट गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स. हम लोग वो पहले भी पढ़ चुके हैं, हम लोग सिर्फ रिवाइज करेंगे और उसको अपनी एक्टिविटी बुक में लिखेंगे. सो फॉर दैट टेक आउट योर एक्टिविटी बुक. आप लोग अपनी एक्टिविटी बुक निकालिए और राइट डाउन डेट एंड सीडब्ल्यू ऑन पेज नंबर 78 and 79 दोनों पेज पे डेट और सीडब्ल्यू डाल लीजिए. ठीक है, आज हम लोग गुड हैबिट्स और गुड मैनर्स की ये एक्टिविटी करेंगे. ठीक है, चलो राइट डाउन डेट एंड सीडब्ल्यू. सो किड्स, गुड हैबिट्स क्या होती है? अच्छी हैबिट्स. हैबिट यानी जो हम लोग रोज करते हैं वो हमारी हैबिट होती है. अच्छे से बोलना, अच्छे से बात करना, अच्छे से चलना, अच्छे कपड़े पहनना, रोज जल्दी उठना, ठीक है, जल्दी सोना और रोज नहाना, ये सब क्या है? हमारी गुड हैबिट्स. सो यहाँ पे सब गुड हैबिट्स के बारे में है. हम यहाँ डैश पे स्पेलिंग लिखनी है आपको, आई विल हेल्प यू. लेकिन हम चालू करते हैं अर्ली टू बेड. जल्दी सोना बहुत जरूरी. अर्ली टू बेड के लिए बेड की स्पेलिंग कर्सिव स्मॉल से सब लिखेंगे. दिस इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, नॉट द स्टार्टिंग वन, इसलिए हम लोग स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे. अर्ली टू बेड, देन अर्ली टू राइज. हम लोग ने ये पोयम भी एक बार पढ़ ली है. अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, है ना? याद है आपको, मैंने आपको ये पोयम भी पढ़ाई थी बहुत पहले. ठीक है, देन जब हम जल्दी उठ जाते हैं तब हमको क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज. ये सब आप रोज फॉलो कर सकते हो. रोज जल्दी सो, अर्ली टू बेड मतलब जल्दी सो जाओ. फिर अर्ली टू राइज, जल्दी उठ जाओ. सूरज होता है, सूरज जब बाहर निकलता है उसी समय आप भी उठ जाओ. अर्ली टू राइज, राइज मतलब जैसे सूरज राइज होता है, सूरज उगता है, वैसे ही आप भी उठ जाओ. फिर एक्सरसाइज करो. एक्सरसाइज डेली, एक्सरसाइज डेली, रोज एक्सरसाइज करो. फिर आप ये एक्सरसाइज बाद में भी कर सकते हो, ब्रश करने के बाद, ब्रश करके दूध पीने के बाद, फिर या फिर ब्रश करके नहा के एक्सरसाइज करोगे तो स्मेल आएगी. तो ब्रश करो, दूध पियो, एक्सरसाइज करो. ये लेकिन दूध पी के उल्टी सीधी एक्सरसाइज नहीं करने की. ब्रश करो, एक्सरसाइज करो, फिर दूध पियो. ओके, एक्सरसाइज डेली. ब्रश योर टीथ, हमें क्या करना है? अपने टीथ को ब्रश करना है. ब्रश योर टीथ, सब दांतों को ब्रश करना है ना, एक दांत को तो नहीं करना है, इसलिए टीथ. फिर क्या करना चाहिए? रेगुलरली लिखा है, रेगुलरली मतलब रोज. रोज क्या करना है? बाथ, बाथ रेगुलरली. BATH, बाथ रेगुलरली. फिर वियर डैश क्लोथ्स, कैसे कपड़े पहनने चाहिए हमें? साफ सुथरे, है ना? तो साफ सुथरे यहाँ के लिए हम क्या बोलते हैं? क्लीन लिखेंगे कि डर्टी? वियर क्लीन क्लोथ्स, CLEAN, क्लीन क्लोथ्स. ओके, देन कॉम्ब योर हेयर, यस, HAIR, हेयर. द नेक्स्ट इज ट्रिम नेल्स, नेल्स को ट्रिम करना है. ट्रिम मतलब काटना है रेगुलरली. आज आपके नेल्स कटे हैं कि नहीं चेक करिए, कल आप जरूर काट लीजिएगा. ठीक है, हमेशा नेल्स काट कर रखने चाहिए. क्यों? क्योंकि नेल्स के अंदर सब मिट्टी मैल सब भर जाता है, फिर वो हम खाना खाते समय वो हमारे मुंह में जाता है,
हम लोग को पेट दर्द होता है। टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क, वाटर के तो बहुत सारे ग्लास पीने चाहिए लेकिन मिल्क वन ग्लास रेगुलरली रोज पीना चाहिए। मिल्क MILK, टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली। ओके ठीक है किड्स, ये तो हो गई गुड हैबिट्स। ठीक है, समय पे सब काम करना इज अ गुड हैबिट। नाउ वी विल टॉक अबाउट गुड मैनर। मैनर मतलब तरीके। क्या हमसे गलती हो गई तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे ही आगे बढ़ जाना चाहिए? नहीं, आपसे किसी को चोट पहुंची, आपके कारण किसी को धक्का लगा, आपके कारण किसी को हर्ट हुआ, तो यू शुड से सॉरी। अब कैसे पता चलेगा कि किसी को हर्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो यदि आपके कारण किसी का कोई कुछ भी डिस्टर्ब हो रहा है तो हमको क्या बोलना है? सॉरी। कोई हमें कुछ भी देता है तो हमको क्या बोलना है? थैंक यू। किसी से कुछ मांगना है तो हमको बोलना है प्लीज। मामा को बोलते हैं ना मामा प्लीज, वैसे ही सबको बोलना है आपको प्लीज, है ना? ठीक। और किसी से कुछ पूछना है तो क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी। हमको पूछना है कुछ इनसे, हमको उनको कुछ बोलना है कि प्लीज आप सामने से हट जाइए, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी। कभी होता है ना हम लोग लाइन में खड़े रहते हैं, हमको आगे जाना है, हमारे आगे हमको किसी से मिलने जाना है, कोई बीच में खड़ा है, तो बोलेंगे एक्सक्यूज मी लेट मी गो, इजंट इट? फिर और एक गुड मैनर क्या है? गुड मॉर्निंग और गुड नाइट बोलना। आप लोग बोलते हो सबको अपने घर पे? बोलते हो? पता नहीं बोलते हो कि नहीं। यदि नहीं बोलते हो तो सबको बोलना है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सारे गुड मैनर्स आप में होने चाहिए। ठीक है, सो लेट अस सी कि यहाँ पे किस कौन सी पिक्चर से ये गुड मैनर मैच होते हैं। यहाँ लिखा है थैंक यू। थैंक यू कब बोलते हैं? जब आपको कोई कुछ देता है। तो यहाँ पे कौन क्या दे रहा है? यहाँ पे एक गर्ल को गिफ्ट मिल रहा है। ये डॉट से वो डॉट मैच होना चाहिए। ठीक है, इधर उधर कहीं नहीं जाना चाहिए आपकी लाइन। प्लीज लिखा है, प्लीज कैन यू गिव मी दिस, प्लीज आपको मांगना है किसी से, है ना? तो ये देखो ये मांग रहा है कि प्लीज कैन यू गिव मी योर बुक, आपको प्लीज बोलना। फिर एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी कब? जब हमको अपना कुछ काम करना है, किसी को बीच में से हटा के, किसी को बीच में से रोक के, आप दो जन बात कर रहे एकदम से आपको छींक आ गई तो क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। ठीक है, एक्सक्यूज मी मतलब मुझे माफ करना, मुझे अभी छींक आ रही है। ठीक है, उसके लिए कभी कभी हम लोग सॉरी भी बोलते हैं, सॉरी गलती से बीच में छींक आ गई। ठीक है, गुड नाइट। नाउ वेयर इज द गुड नाइट वाला इमेज? गुड नाइट वाला इमेज सबसे नीचे जहां नाइट बनी है। सॉरी, सॉरी कब बोलेंगे? जब हमसे कुछ गलती हो जाए तो सॉरी। किसी का कांच टूट गया तो सॉरी। देन गुड मॉर्निंग। ये सो किड्स, ये गुड हैबिट्स और गुड मैनर्स आप सबको फॉलो करने हैं। ओके बाय, टेक केयर।